फायर और डिलीवरेंस मीटिंग क्या है? फायर प्रेयर भी अगर आप कर रहे हैं, फायर प्रेयर अगर इसका पार्ट को आप समझे कि जब आप फायर मतलब जब आप परमेश्वर के सामने होली स्पिरिट को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए दिल खोलते हैं और वो आग, आग मतलब वो सामर्थ, ठीक है, आग मतलब वो पावर, आग मतलब वो सामर्थ, आग मतलब वो पावर जो आप उतरने की इंतजार कर रहे हैं। आग को आप एक चिन्ह के रूप में देते हैं, सामर्थ को आप एक चिन्ह के रूप में देते हैं। जैसे बाइबल में कई चिन्ह है, पवित्र आत्मा का जय चिन्ह है, अगर आप स्टडी बाइबल को भी पढ़े वहां पर चिन्ह लिखे हैं, कई चीजों को समझने के लिए लोगो दिए गए उनके, ये चिन्ह पवित्र आत्मा के लिए है, ये चिन्ह ये है। जैसे लोगो से कई बार किसी कंपनी को पहचान जाते हैं, तो इसलिए सामर्थ आपके जीवन में, पर आप एक चिन्ह को लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताको तीन चिन्ह को आप एग्जाम्पल के रूप में और आप मिरेकल करने के लिए और अपनी लाइफ में फेथ को यूज करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा उतरता आप इमेजिन करते हैं, आप महसूस करते हैं कि वो आ रहा है, अपने अंदर एक फेथ पैदा करते हो तो वो आता है। जैसे जब किसी की अगर हीलिंग करनी है तो अपने अंदर फेथ पैदा करना होता है कि मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ अब आएगी, क्योंकि उसके वचनों में लिखा है जब तू हाथ रखेगा सामर्थ आएगी। तो ऐसा मनन करना होता है उसके चिन्हों के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर कि अब परमेश्वर की सामर्थ आएगी, जो दीन हो रहा है और इसके ऊपर प्रभु कृपा करेगा, जे अपना मुंह खोल रहा है, जे रो रहा है, परमेश्वर के लिए प्यासा है, प्रभु से तृप्त करेगा आज, तो उसके लिए कुछ वचन प्राप्त किया जाता है। और उसके लिए जब ले हैंड किया जाता है तो आत्मा में कुछ प्रैक्टिस की जाती है, वचनों की मनन किया जाता है। जैसे यीशु मसीह ने उसे बोला, ए दुष्ट आत्मा, बहरेपन की आत्मा, इसमें से निकल जा। क्या सोच के बोला होगा कि मुझे ऊपर से अधिकार मिला हुआ है, ये आत्मा से भरकर सब अंधकार की शक्तियों के ऊपर पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। इसी तरह से तो जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, आप एक फायर को पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा तेरी आग मुझ पे आए। और प्रेयर का मतलब कि आप जब आग से भर जाते हैं, आग के बपतिस्मे को प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब प्रेयर करते हैं तो वो आपकी प्रेयर काम करती है। बिना आग के बपतिस्मे के वो प्रेयर काम नहीं करती। मान लो एक व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वचन तो ये भी बोल रहा है, पर जे पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे से भरा हुआ नहीं, मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ इसके साथ नहीं है। और अब जे बोल तो रहा है, जे चंगा नहीं हो रहा है, पर उसका पड़ोसी बोल रहा है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, और वो चंगा हो चुका है। जैसे यहां पर लोग बैठे हैं अपनी अपनी गवाही के साथ, साइड पर बैठे आपके बीच में से जो आज पिछली प्रार्थना सभा में हील हुए, ब्लेस हुए और आज गवाही देने के लिए साइड में बैठे हुए। तो कब? जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो अगर सामर्थ आग आपके ऊपर है, अभिषेक आपके ऊपर है, तेल आपके ऊपर है, तो जब आप वही वचन फिर बोलते हैं, फिर वो वचन काम करता है। तो आज की प्रार्थना सभा का यही मतलब है, फायर और डिलीवरेंस मीटिंग के पहले आग को प्राप्त करो, फिर उस आग से भरकर मुंह से घोषणा करो और वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्मा, वो गरीबी, वो फेलियर, वो डिले जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं लगता, आप उसे निकाल सकते अपने जीवन से खुद ही। हालेलुया। ये आज की प्रार्थना सभा का मतलब कि आप उसे खुद निकाल सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, पर तब तक वो हुक्म काम में नहीं आएगा जब तक आग हमारे जीवनों में ना आए, हम आग को ना मांगे, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को ना मांगे। इसलिए आप केवल प्रेयर नहीं करते, आग को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को, सामर्थ को, अपने पापों से पश्चाताप प्राप्त करके उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं और फिर प्रेयर करते हो, और इसको आप जोड़ देते हैं कि फायर प्रेयर। कि मतलब मैं आग से प्रेयर कर रहा हूं, मैं कोई नॉर्मल बिलीवर के रूप में प्रेयर नहीं कर रहा हूं जो कह रहे कोई नहीं, प्रभु ने दुख उठाना, मैंने उठाना ही पड़ा है दुख, मैंने एक गरीबी चलनी पड़नी है, पर उसके ऊपर रेवलेशन आ जाता है, नहीं मेरे पास हुक्म है, मैं अपनी लाइफ को जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, कोशिश नहीं करके, आत्मा से भरकर।
पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ये जानता है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर सकता है अगर उसके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो भरोसा करता है। तो अब जे केवल रिक्वेस्ट नहीं करता, ये बीमारी चल जाए यीशु के नाम, प्रभु मेरे ते दया कर दे, प्रभु मेनू चंगा कर दे, प्रभु मेरे ते कृपा कर दे, प्रभु पड़ोसी चंगा हो गया ओनू तू ठीक करता, प्रभु मेनू चढ़ा रही आ, प्रभु मेरी बेइज्जती करता, प्रभु तेन मुंह तोड़ जवाब दे, वो ऐसे रिक्वेस्ट के साथ जा इमोशनल प्रेयर नहीं करता। वो करता है जब आग उतरती है, फायर प्रेयर। मतलब बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया कोई फायर प्रेयर करो। इस वचन को समझो, इस वचन को समझो क्या है कि फायर को प्रेयर जब हम बोलते हैं कि हम नॉर्मल प्रेयर नहीं कर रहे, प्रार्थना मतलब विनती रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, प्रार्थना मतलब मांगना, हे पिता तेरी इच्छा पूरी। प्रभु ने कहा हे पिता तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं, हो सके तो जो प्याला मुझसे टल जाए, विनती की, प्रार्थना की। तो अब आपको पता है पिता मेरे लिए सब कुछ कर चुका है, अब केवल मुझे, उसने मुझे पवित्र आत्मा भी दे दी है, हेल्पर भी दे दिया है, उस खजाने की चाबी भी मुझे दे दी है, अब खोलना तो मुझे ही आना चाहिए। कौन सी की किस खजाने के लिए इस्तेमाल करनी है, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए क्या करना है, हीलिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए क्या करना है, तो उसे आप फिर सामर्थ्य के साथ एक आत्मिक गुस्से के साथ प्रेयर करते हैं और उन चीजों को डांटते हैं। हालेलुया। तो जे हर एक के लिए अलग अलग रेवलेशन होता है, कोई विनती करके प्राप्त करता है, कोई ऐसे प्राप्त करता है, गलत दोनों नहीं है, अगर एक गलत तो दूसरा सही, बाइबल ऐसा नहीं बताती। तो जिसको जैसा भेद मिलता है वो वैसा काम करे, तो जिसको जैसा भेद मिलता है वैसा वो काम करे, उस भेद की रीति पर चले। कहता है हम शब्दों से नहीं चलते, हम भेद से चलते हैं।